हेलो स्टूडेंट्स, आइए ग्रामर सीरीज में आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हम टेंस ऑफ और पैसिव वॉइस तक यहाँ तक कवर कर चुके हैं। इस किताब से 10वां चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं हम। तो ये ग्रामर की सीरीज चले कक्षा 10 की यूपी बोर्ड राजू प्रकाशन की बुक से ये सब ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, जो कि हाई स्कूल की परीक्षा और अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत यूजफुल होगी। तो चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की देखिए संख्या 8 है, जो इस प्रकार है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इतना आपको पता होगा, लेकिन एक बात और जान लीजिए, मॉडर्न डिफिनेशन के अनुसार जो है 8 के अलावा इसमें एक और शब्द जोड़ दिया गया, डिटर्मिनर, DETERMINER। अगर आपके एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या ऑप्शन में 8 नहीं है तो आप 9 बता देंगे। डिटर्मिनर 20 में आता है, आधुनिक विद्वान जो है इसको भी जोड़ दिए, क्योंकि डिटर्मिनर में क्या आता है, इसमें आर्टिकल आता है, जैसे ए, एन, द, ये सब डिटर्मिनर में आता है, तो ये भी तो वाक्य का ही भाग है। और उसके अलावा इसमें पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी इसमें आ जाता है, जैसे दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज योर्स, दीज बुक्स आर योर्स, दोज बुक्स आर योर्स, तो ये भी मतलब नाउन से पहले दिस, दैट, दीज, दोज आ जाएगा, तो इनको भी हम डिटर्मिनर कहते हैं। इसके अलावा इसमें जैसे पजेसिव एडजेक्टिव में जो है ये भी आते हैं, माई, योर, ठीक है, हीज, हर, अगर इनके तुरंत बाद नाउन है तो इनको भी हम डिटरमिनर ही कहते हैं। तो इस तरह से ये भी वाक्य के ही भाग है, इसलिए आधुनिक विद्वान जो है, मॉडर्न जो है, ग्रामेरियन जो है, आधुनिक व्याकरणाचार्य हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या को 9 बता दिए हैं डिटरमिनर को लेकर। तो चलिए देखते हैं नाउन। सबसे पहले नाउन पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे आज की वीडियो में, पूरा नाउन हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे। द नाउन, नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अधिकतर किताबों क्या है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन इसमें देखिए दिया गया है व्यक्ति, वस्तु, स्थान तो है ही है, इसके अलावा गुण भी इसी में आता है, क्वालिटी, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है ना, तो हम ऑनेस्टी एक अच्छी क्वालिटी बताया जा रहा है। कार्य, कार्य के मतलब से थेफ्ट माने चोरी का कार्य, च्वाइस, पसंद का कार्य, ठीक है, पसंद, ये सब भी कार्य हैं, तो भी नाउन में आते हैं। और हेल्प माने सहायता भी होता है, सहायता करना भी होता है, तो वर्ब रहेगा सहायता करना, नहीं तो सहायता के लोगों तो भी कार्य है ना, तो ये भी नाउन में आएगा। अवस्था का मतलब क्या होता है, अवस्था में जैसे गरीबी अवस्था है, पॉवर्टी है, ओल्ड एज, बुढ़ापा है, ठीक है, सफरिंग, कष्ट है, पेन, दर्द है, तो ये सब भी इसमें आ जाता है। चाइल्डहुड है, बचपन की अवस्था। तो देखिए डिफिनेशन क्या, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क, स्टेट, ठीक है, वर्क माने कार्य, स्टेट माने अवस्था या कंडीशन भी कह सकते हैं, दशा। तो फॉर एग्जांपल राम, सीता, ताजमहल, चॉइस, विजडम, ये सभी क्या हैं, उदाहरण हैं, जैसे राम है, सीता व्यक्ति हैं, ताजमहल वस्तु हो गया, चॉइस ये भी कार्य है, देखिए पसंद का काम, विजडम बुद्धिमानी। अब देखिए काइंड्स ऑफ नाउन देख लेते हैं। नाउन देखिए 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, प्रॉपर नाउन, क्या है पहला, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो अब इसमें देखिए किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर कहते हैं, विशिष्ट या विशेष, यानी कि जो आपके लिए स्पेशल हो। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, इंग्लिश में डिफिनेशन, पार्टिकुलर माने खास, विशिष्ट, तो जो भी आपके लिए विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के, विशिष्ट मतलब कोई भी आपके लिए विशिष्ट व्यक्ति हो सकता है, मोहन, सोहन, शीला, गीता, वस्तु में कोई भी व्यक्ति आपके लिए विशिष्ट हो सकती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो विशिष्ट ही है। स्थान कोई भी आपके लिए विशिष्ट हो सकता है, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आपका काम मिस हो रहा है, तो वो सब विशिष्ट ही है, तो कोई भी हो सकता है। विशिष्ट का मतलब जैसे कोई स्पेशल हो, मतलब उसका अलग से एक ही नाम दिया गया हो, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, उस जैसे और कोई ना हो। जैसे कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, कालिदास संस्कृत के महान कवि थे, तो कालिदास एक नाम है, अलग नाम है, संस्कृत एक अलग विषय है ना, साझा नाम नहीं है, ये अलग है, इसी को विशिष्ट कहते हैं। तो संस्कृत विषय का नाम ये भी विशिष्ट है। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली भी एक अलग विशिष्ट स्थान है, दिल्ली भी विशिष्ट स्थान है, विशिष्ट मतलब एक अलग स्थान है, सब अलग अलग नाम रखा गया है। कालिदास, संस्कृत, दिल्ली तथा इंडिया प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान है। विशेष देखिए कुछ खास बातें, विशेष मतलब कुछ ध्यान देने वाली बातें आपको नाउन में क्या देना। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल से लिखा जाता है, पहली बात, तो किसी का नाम लिखो पहला अक्षर कैपिटल से, ये ध्यान देना। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल मतलब किसी के नाम का, मोहन का प्लूरल नहीं बनाते हैं, दिल्ली का प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक, ताजमहल का प्लूरल नहीं बनाते, तो मतलब प्लूरल नहीं होता।
प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल मतलब ए एन द का प्रयोग, किसी के नाम से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। वो कॉमन नाउन के पहले लगेगा ए एन द, उसको आगे बताया जाएगा। जैसे किंग के पहले ए किंग लगा सकते हो, लेकिन किंग का नाम जैसे अकबर दे दिएगा अशोक, तब ये ऐसा नहीं लगाते हैं। जनरली ये ऐसा नहीं लगाते हैं, फिर अपवाद स्वरूप है वो जो है लगा भी सकते हैं। वो सब कंपटीशन लेवल का जो है तैयारी करेंगे तो उसमें बताया जाएगा अपवाद भी, जिसकी वीडियो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से अपलोड भी किया हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप ज़्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं। फिर इसके बाद मैं एक्सीलेंट की भी बुक कवर करूँगा, इसलिए आप हर जगह से जानकारी अपनी बढ़ाते रहिए। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? यह अपने वर्ग या किस्म की समस्त सामान्य वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। कॉमन का अर्थ है शेयर्ड बाई ऑल, मतलब जो सबके द्वारा जिसकी साझेदारी हो, साझा नाम होता है। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, मतलब वो साझा नाम होता है। जैसे किंग माने राजा, तो जो भी राज करेगा उसको राजा कहा जाएगा, ठीक है, साझा नाम दे दिएगा ना, शेयर्ड बाई ऑल। मदर जो भी ठीक है बच्चों की देखभाल करेगी उसको माँ कहते हैं हम। एजेंट माने अभिकर्ता, जो भी कुछ किसी के द्वारा काम किया जाएगा वो एजेंट होगा। वोमेन माने औरत, बॉय माने लड़का। तो औरत मतलब जो, और मतलब जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर एक वोमेन की तरह है, तो उसको वोमेन कहा जाएगा, बॉय कहा जाएगा फिजिकल स्ट्रक्चर। ये सब साझा नाम है। अब यही बॉय का हम अलग से नाम ले लेंगे राम मोहन, तब वो प्रॉपर हो जाएगा। वोमेन का नाम ले लेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। एजेंट का नाम ले लेंगे तो प्रॉपर। मदर का नाम, किंग का नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। तो ये सबका साझा नाम है, इसलिए इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। विशेष कॉमन नाउन सामान्यतः काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल मतलब जो गिने जा सके, गणनीय। जैसे राजा को हम गिन सकते हैं, माँ को गिन सकते हैं, कितनी माँ है, कितनी औरत हैं, कितने लड़के हैं, ठीक। कलेक्टिव नाउन भी हम देख लेते हैं किसे कहते हैं। कलेक्टिव नाउन माने होता है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। तो देखिए, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं हम। व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को, कुल मिलाकर इसमें समूह का बोध होता है जिससे, वो समूहवाचक संज्ञा है। जिस नाउन से समूह या समुदाय का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा। तो यह समूह किसी भी चीज़ का, व्यक्तियों का भी हो सकता है, वस्तुओं का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का समूह हो सकता है। उदाहरण देखते हैं, जिसमें यही बात है कि एक से ज़्यादा लोग ही रहेंगे समूह में। जैसे क्राउड माने भीड़, तो भीड़ में एक लोग तो नहीं रहेंगे, पूरा समूह रहेगा लोगों का। आर्मी माने फौज, फौज में तो बहुत सारे सिपाही रहेंगे, तो ये मतलब सैनिकों का समूह है। तो क्राउड का, अब देखिए आगे दिया गया, ए कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का जो समूह होता है उसको हम क्राउड कहते हैं। यहाँ समझाया गया क्राउड किसे कहेंगे, ए कलेक्शन ऑफ पीपल। देखिए, हर प्रकार के लोगों के समूह के लिए स्पेशल वर्ड बनाया गया है, उसी को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे लोगों के समूह के लिए स्पेशल वर्ड क्या है, क्राउड। लोग जहाँ भी समूह में रहेंगे, क्राउड, भीड़ कहेंगे उसको। और कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के समूह को क्या कहेंगे, आर्मी कहेंगे। अब इस तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उसमें किसके समूह को क्या कहेंगे, वन बाय वन आप इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि रॉबर्स के समूह को क्या कहेंगे। तो गैंग कहेंगे, गैंग मतलब इसके चोरों का गैंग, डाकुओं का गैंग, गैंग ऑफ रॉबर्स। आर्मी सोल्जर्स के समूह को आर्मी कहेंगे। स्टूडेंट विद्यार्थियों के समूह को क्लास कहेंगे, कक्षा में तो ज़्यादा ही विद्यार्थी रहेंगे। की माने चाबी, चाबी के समूह को बंच कहते हैं। वैसे अंगूर के समूह को भी बंच कहते हैं, बंच भी अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, दोनों के लिए बंच लगेगा, गुच्छा या चाबी। अब देखिए कैटल माने पशु होते हैं, चार पैर वाले। तो पशुओं के समूह को हर्ड कहते हैं। बर्ड्स के समूह को फ्लॉक कहते हैं, पक्षियों के समूह को। और प्लेयर्स, खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं। जैसे टीम में तो भाई ज़्यादा ही लोग रहते हैं, खिलाड़ी रहते हैं। संगीतकार, म्यूजिशियंस जिसको कहते हैं, उसके समूह को बैंड कहते हैं। बॉयज, लड़कों के समूह को बैच कहते हैं। जैसे कितने बैच पढ़ाए आप, ऐसे भी कहा जाता है, तो उसको बैच कहते हैं। स्टिक्स माने छड़ी होता है, या डंडा होता है, या लाठी होता है। तो छड़ी के समूह को बंडल कहते हैं। बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों के समूह को क्या कहते हैं, बंडल। स्टिक्स में से लकड़ी या छड़ी, तो लकड़ियों के समूह को बंडल कहते हैं। किताबों के समूह को कैटलाग कहते हैं। कैटलाग मीन्स किताबों का समूह, ये सूची। पर्सन्स माने व्यक्तियों के समूह को ग्रुप कहते हैं। जैसे बहुत लोग नहीं कहें ग्रुप में सब लोग हैं, ठीक, तो ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, तो व्यक्तियों के समूह को ग्रुप भी कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। बीज, मधुमक्खियों के समूह को क्या कहते हैं, हाइव कहते हैं। हाइव मीन्स छत्ता, छत्ता में ज़्यादा मधुमक्खी रहेंगे। किताबों के समूह को लाइब्रेरी कहेंगे, पुस्तकालय, पुस्तकालय में ज़्यादा ही किताबें रहेंगी। दोस्तों के समूह को पार्टी कहते हैं। आज हम लोग एक पार्टी है, मतलब उसमें सारे दोस्त क्या करेंगे, मिलेंगे, समूह में आएंगे। तो इस तरह से हमारे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा समूहवाचक संज्ञा। चलिए मटेरियल नाउन देख लेते हैं। मटेरियल नाउन माने धातुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं।
किसी धातु के नाम को धातुवाचक संज्ञा कहते हैं या मटेरियल नाउन कहते हैं। तो इसमें कोई भी धातु आएगी तो मटेरियल नाउन कहते हैं। इसकी एक और डिफिनेशन बता दे रहा हूँ कि धातु तो आती हैं लेकिन इसमें पदार्थ भी आते हैं ना, तो पदार्थवाचक संज्ञा भी है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ पृथ्वी से निकलने वाली कोई भी ऐसी चीज़ जिससे दूसरी वस्तुएँ बन सके उसको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, कोई भी चीज़ जिससे दूसरी वस्तुएँ बन सकें, ठीक, वो धरती से निकलती हैं तो उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब जैसे गोल्ड माने सोना, सोना भी पाया जाता है, सिल्वर चांदी, ये धातु है ना, कापर धातु है, आयरन धातु है, ये सभी धातुएं हैं। तो धातु से भाई दूसरी चीज़ें बनेगी ना, ऐसे जान लीजिए ये मटेरियल धातुवाचक संज्ञा। इससे दूसरी चीज़ जैसे सोने का क्या सिकड़े अंगूठी, इस चांदी का अंगूठी सिकड़े, कापर का भी बन जाता है, ठीक है, दूसरी चीज़ें आयरन लोहे की भी बनती हैं, तमाम चीज़ें। ठीक, इसके अलावा इसमें आप कह सकते हो काटन कह सकते हो, रुई, रुई से भी तकिया रजाई सब बनती है, तो ये भी पदार्थवाचक संज्ञा है, पेड़ से बनता है, ठीक है, मानव का पेड़ होता है। अब काटन के अलावा इसमें आप पेपर कह सकते हैं क्योंकि पेपर से आपकी किताब बनती है, ठीक, ये भी पौधों से बनता है पेपर। और पेपर के अलावा, ठीक है, आप इसमें वुड कह सकते हैं, लकड़ी, लकड़ी से मेज बनती है, ठीक है, प्लास्टिक कह सकते हैं, इस तरह से तमाम सारी चीज़ें कह सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल जो भी आपके हैं घर के में जो भी आप देख रहे हैं सभी मटेरियल नाउन में ही आएंगे, ईंट आएगा, ब्रिक, स्टोन आएगा, पत्थर, क्लियर, ये सब चीज़ इसमें आ जाएंगे। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी देख लेते हैं, पांचवा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने होता है भाववाचक संज्ञा, किसी कार्य, गुण या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखिए परिभाषा में यह ना व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं ना, यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाली परिभाषा उसमें जोड़ दिया था, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य, गुण या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट भी जोड़ देते हैं डिटेल परिभाषा में, ठीक, क्योंकि इसको कुछ किताबों में नहीं जोड़ते इसलिए क्योंकि यह गुण, कार्य, अवस्था ये सभी वस्तुओं में आ जाता है। ठीक, वस्तु एक बृहद शब्द है। तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहें, किसी कार्य, गुण या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब कुल मिला के इसमें भाव होते हैं, इसको हम गिनते उनते नहीं है, ठीक है, भाव को बताया जाता है। जैसे गुणकारी अवस्था उसमें आती है, जैसे काइंडनेस माने दयालुता, तो दयालुता को हम गिनते नहीं हैं हम, दयालुता का कार्य है ये, विजडम बुद्धिमानी, ठीक है, ये बुद्धिमानी भी। ब्रेवरी माने बहादुरी, कवर्डिस माने कायरता, हैट्रेड माने घृणा, चाइल्डहुड माने बचपन, वोमेनहुड माने नारीत्व या नारीता, सिकनेस माने बीमारी, पॉवर्टी माने गरीबी, तो ये सभी गुणकारी अवस्था। विशेष कुछ देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, कुछ खास बातें देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें ना देख सकते हैं ना ही स्पर्श कर सकते हैं, ठीक, हम महसूस करते हैं कि हाँ इसके अंदर बुद्धिमानी है, देख थोड़ी रहे बुद्धिमानी कैसी है, दयालुता का काम कर रहा है, ठीक है, छूते उते नहीं हैं, ठीक, कि बुद्धिमानी को छू रहे हैं, हम फील करते हैं, बहादुरी फील करते हैं, कवार, कायरता, घृणा महसूस करते हैं, फील करते हैं बचपन की अवस्था में, तो ये सभी बातें इसमें खासियत है। और इसकी पहचान के लिए भी कुछ शब्द बताए गए हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पेपर में आपके आ गया कि कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चार ऑप्शन दे देगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो जिस शब्द के अंत में नेस, सिप, हुड, ये तीन शब्द पर याद कर लिए, नेस, सिप या हुड लगा रहे उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सबसे बढ़िया पहचान, जैसे काइंड मैननेस जुड़ा है काइंडनेस, चाइल्ड हुड, चाइल्ड हुड, माइन हुड, व्हाइट मैननेस जुड़ा व्हाइटनेस, सिकनेस माने बीमारी, फ्रेंडशिप माने मित्रता, तो ये सभी जो है सफिक्स जिसको कहते हैं प्रत्यय हिंदी में, तो लास्ट में जुड़ते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए नाउन का एक दूसरा वर्गीकरण भी है, मतलब अब तक तो आपको क्या बताया गया कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के, लेकिन गणना के हिसाब से, गिनने के हिसाब से नाउन के दो ही प्रकार होते हैं। देखिए पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, ओवरऑल मिला के दो ही प्रकार के नाउन होते हैं गणना के हिसाब से। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, जैसे बुक, पेन, बॉय, गर्ल, सिस्टर, हॉर्स, काउ, इनको हम गिन सकते हैं ना। अगर ये पूछ लेगा कि कॉमन नाउन, जातिवाचक, ये सब नहीं ऑप्शन दिए, कहा गया कौन सा काउंटेबल कौन सा अनकाउंटेबल, तो आपको ये बताना है कि आप देख लो, गिन सकते हो तो काउंटेबल बता दो, नहीं गिन सकते हो तो अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब गणनीय, अनकाउंटेबल माने अगणनीय, जिसकी हम गणना ना कर सके, जिन नाउन की गणना नहीं की जा सकती, जैसे उसे हम, जिन नाउन की गणना नहीं की जा सकती उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं।
जैसे आप क्या मिल्क को, दूध को गिन सकते हो? सोना को गिन सकते हो? नहीं। शुगर को नहीं गिन सकते हो? ऑनेस्टी ईमानदारी नहीं गिन सकते हो? आयल माने तेल नहीं गिनते हो? और काइंडनेस नहीं गिनते हो? पॉलिटी नहीं गिनते हो? आप गिनते नहीं हो, ठीक। तो जिसको भी हम गिन के नहीं देते हैं वो इसमें क्या आते हैं? अनकाउंटेबल में आ जाता है। अब आप सोचोगे शुगर अगर दो चार दाने हैं तो गिन सकते हैं, तो बात वो अलग है, गिन सकते हो, लेकिन कभी भी ताव गिन के आपको दिया नहीं जाता मार्केट में। इसमें व्हीट और मस्टर्ड, राइस, ये सब भी आ जाएंगे, गेहूँ, चावल, ठीक है। वास्तव में आप गेहूँ गिन सकते हो, लेकिन गिन के बिकता नहीं है, चावल गिन के बिकता नहीं है, तौल के ही बिकता ना, तो उसको भी अनकाउंटेबल में ही रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं, अब कारक देख लेते हैं। कारक को भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाक्य में जब तक कारक नहीं जानेंगे शुद्ध वाक्य आप लिख नहीं पाएंगे। नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इसकी आपकी जरूरत पड़ती है हमेशा। कारक पूछ लेगा तो कौन सा कारक है तब भी बताना पड़ेगा। नाउंस के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उनके रिलेशंस भी अलग अलग होते हैं, उन्हीं के आधार पर केसेज को तीन भागों में बांटा गया। केस माने कारक, तीन कारक होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहला नॉमिनेटिव केस, तो यदि नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तो उसे नॉमिनेटिव केस में माना जाता है। एक बात ये भी जान लीजिए, नाउन या प्रोनाउन दोनों के तीन कारक होते हैं, जैसे नाउन के भी तीन कारक होते हैं, प्रोनाउन के भी, ठीक। तो दोनों को एक साथ बता दिया जाए, प्रोनाउन वाले चैप्टर में आपको प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, तो वह ठीक है, नाउन प्रोनाउन दोनों का ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, नॉमिनेटिव, तीनों केस होता है। तो नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का जब सब्जेक्ट होता है तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे सी गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाती है, तो इसमें यह बताना है कि सब्जेक्टिव केस क्या है। इसको नॉमिनेटिव केस को हम दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ठीक। तो सी इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इसलिए नॉमिनेटिव केस माने होता कर्ता कारक, कर्ता कारक, सब्जेक्टिव केस माने भी वही होगा। हरी इसमें हरी सिंह से सांग हरी गाना गाता, तो हरी सब्जेक्ट का काम कर रहा, तो नॉमिनेटिव केस हो गया। इन वाक्यों में हरी सी नॉमिनेटिव केस में, क्योंकि दोनों कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त हैं। ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं उसको भी देख लेते हैं। देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस माने कर्म कारक। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का एक दूसरा नाम हम बता दे रहे हैं आपको, एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। एक्यूजेटिव केस माने भी होता है कर्म कारक। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या लिखता है? पत्र। तो ये राम और पत्र अलग अलग चीज़ें हैं, तो ऑब्जेक्ट हैं। लिखने का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, लेटर पर पड़ रहा है ना। तो कर्म किसे कहते हैं? जब किसी वर्ब का प्रभाव, ठीक है, जो सब्जेक्ट जो कार्य करे उसके कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कि राम लिख रहा है, लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्र पर। ये ऑब्जेक्ट है आपका। क्या प्रश्न करने से पता चल जाता है इसमें? सी गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाती है, तो इसमें इस टू स्कूल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के आने बाद आने वाला शब्द भी ऑब्जेक्ट माना जाता है। ही हेल्प्ड हर, वह उसके साथ किया, तो हर ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ये कॉलेज शब्द जो है, लेट लेटर स्कूल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्रिया के बाद प्रयोग किए गए, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। चलिए अगली केस भी देख लेते हैं, पजेसिव केस। पजेसिव केस माने स्वामित्व या अधिकार का भाव जो प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें पजेसिव केस कहते हैं। पजेसिव केस माने अधिकारवाचक कारक, ठीक है, जो अधिकार को बताएं, ओनरशिप, स्वामित्व या अधिकार को बताएं, उसको हम पजेसिव केस कहते हैं। संबंधवाचक कारक भी इसको कहते हैं, कि संबंध भी बताया जाता है। अब देखिए, दिस इज सीताज पेन, यह सीता की कलम है। अब तो यह सीता की कलम है, सीता की कलम पर सीता ही का ही अधिकार रहेगा ना, सीता ही उसकी स्वामित्व यानी मालिक है, तो स्वामित्व या अधिकार बता रहा था। इसलिए सीता में एपोस्ट्रॉफी जो है ऐसा लगे नहीं लगा, किसी नाम के साथ एपोस्ट्रॉफी ऐसा लग जाएगा, तो उसको पजेसिव केस कहते हैं, ठीक। तो यहाँ सीताज पजेसिव केस में है। जैसे राम्स बुक यहाँ कहते हैं कि दिस इज राम्स बुक, तो राम्स इसमें क्या पजेसिव केस है, ठीक। अब यही चीज़ अगर प्रोनाउन आएगा तो आप क्या कहोगे? दिस इज सीता की जगह कर दोगे हर, दिस इज हर पेन, तब इसमें हर पजेसिव केस हो जाएगा। तो राम की जगह कर दोगे कि दिस इज राम, हिज प्रोनाउन, तो हिज पजेसिव केस हो जाएगा। तो यानी जो शब्द भी नाउन से पहले लगा रहता है, चाहे पोस्टाफियस नाउन रहेगा तो पोस्टाफियस, प्रोनाउन रहेगा तो माई, योर, हिज, ये सब रहेगा, तो उनको हम पजेसिव केस कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर एक देख लेते हैं। इसमें कुछ एक्सरसाइज बता दे रहे हैं कि इसमें क्या करना है, आप लोग इसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ है नहीं।
चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, निम्नलिखित शब्दों को बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बनाइए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाववाचक संज्ञा, तो उसमें नेस, सिप, हुड ये सब मिला के बनाया जाता है ना। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, किसी कॉमन नाउन से, एडजेक्टिव से या किसी वर्ब से, तीन चीज़ों से बनती हैं। ध्यान देना, कोई भी वर्ब रहेगी, एडजेक्टिव रहेगा या कॉमन नाउन रहेगा, इन चीज़ों से कोई दूसरा शब्द बना है वो भी नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्लियर? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट माने होता है अलग करना भी होता है भाववाचक, तो जान लीजिए इन वर्ब, एडजेक्टिव या कॉमन नाउन से ये अलग करके बनाए जाते हैं। देखिए, आपका मैन कॉमन नाउन है, मैन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओगे तो हुड जोड़ दोगे, मैनहुड। फ्रेंड में शिप जोड़ दोगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा, ये भी कॉमन नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, फ्रेंडशिप। बॉय में हुड जोड़ दोगे, बॉयहुड। ब्रदरहुड भाईचारा, बॉयहुड माने ललकपन। टीचर में शिप जोड़ दोगे, टीचरशिप। व्हाइट में नेस जोड़ देंगे, व्हाइटनेस। चाइल्ड में हुड जोड़ देंगे, चाइल्डहुड। इस तरह से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होगा, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए दूसरे एक्सरसाइज में देखते हैं क्या किया था। व्हाट काइंड्स ऑफ नाउन गिवन बिलो, कि नीचे किस प्रकार के नाउन दिए गए हैं। तो आपको पढ़ा दिया गया है, तो आप इसको पहले वीडियो पॉज करके सोच लीजिए किस प्रकार का नाउन है, तब उसके बाद आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाफट बता दे रहा हूँ। मैन कॉमन नाउन, चाइल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। फर्नीचर भी कॉमन नाउन, क्योंकि उसका नाम नहीं दिया गया। टीथ, दांत भी कॉमन नाउन है, क्योंकि दांत का नाम नहीं दिया गया। जैसे टस्क माने हाथी का दांत होता है, तो नाम दे दिया गया। गंगा प्रॉपर नाउन है, नैनीताल प्रॉपर नाउन है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट विजडम भी है, आर्मी समूह है, वाचक है, कलेक्टिव। क्लास भी कलेक्टिव, फैमिली में भी समूह रहेगा कलेक्टिव। गोल्ड आपका मटेरियल हो जाएगा, मटेरियल नाउन। मिल्क भी मटेरियल में ही आ जाएगा, जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, मॉस नाउन भी कहते हैं, ठीक है। आयल भी मटेरियल में ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मतलब द्रव्यवाचक भी इसको कहते हैं। काइंडनेस भी एब्स्ट्रैक्ट है, लीडरशिप भी एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि इनमें नेस और शिप जुड़ा। अब एक्सरसाइज नंबर तीन में क्या कहा, पॉइंट आउट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य में नाउन का पता लगाना। तो आप नाउन इसमें आराम से पता लगा सकते हो, पहले सोच सकते हो, फिर मैं बता दे रहा हूँ आंसर। ऑनेस्टी नाउन है, पॉलिसी नाउन है, क्राउड नाउन है, एलिफेंट नाउन है, स्ट्रेंथ नाउन है, स्ट्रांग से बना है, स्ट्रांग मैंने सब किसाली एडजेक्टिव ना, तो स्ट्रेंथ। किंग नाउन है, ग्रेप्स नाउन है, और बंच कलेक्टिव नाउन है, एलाई नाउन है, और विजडम नाउन है, स्ट्रेंथ नाउन है, ट्रूथ नाउन है, बॉयज नाउन है, ऑनेस्टी नाउन है। एक्सरसाइज नंबर चार में देखते क्या है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को सही करो। तो इसमें कुछ गलतियां दिया गया है, तो गलती भी कभी कभी सुधारने के लिए आ सकता है, कॉमन एरर क्या गलती है, तो आपको बताना पड़ेगा सही वाक्य लिखने के लिए, इसका ज्ञान होना जरूरी है। तो बता दे रहा हूँ मैं फटाफट। इंडिया वन द मैच बाई एन इनिंग में यस जुड़ा है। इनिंग्स माने होता पारी, भारत एक पारी से मैच जीत गया, ये इनिंग में यस ऑलवेज जुड़ा रहता है, ठीक है, इसलिए इसमें यस लगाना था। कैटल बहुवचन माना जाता है पशु ज़्यादा, इसके इसलिए आर लगता है, वर्ब भी बहुवचन लगेगा। फाइव डोजन ओरेंजेस, डोजन्स में यस नहीं जुड़ेगा, क्योंकि पाँच दर्जन ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये नाउन है। सीनरीज नहीं होता कभी भी, लवली सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता, सीनरी का एक वचन में ही प्रयोग होता है। आई एम फॉन्ड ऑफ, ए नहीं लगता फॉन्ड ऑफ साथ, प्रीपोजिशन के बाद तुरंत नाउन लग जाएगा, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक हो जाएगा, ए म्यूजिक नहीं, क्योंकि म्यूजिक हम गिनते नहीं हैं, तो जब गिनते नहीं तो ये नहीं लगाएंगे उसके पहले। ही गेव मी सेवरल इन्फॉर्मेशंस, तो इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं लिखा जाता, इन्फॉर्मेशन ही लिखा जाएगा, लेकिन सेवरल माने कई, अगर इसका बहुवचन बनाना होता तो पी आई ई सी ई एस, पीसेज ऑफ लगा दिया जाता, सेवरल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो सेवरल यहाँ भी फर्नीचर्स है ना, तो फर्नीचर में यस नहीं जोड़ा जाता, इसमें भी आप पी आई ई सी ई एस पीसेज ऑफ फर्नीचर कर देंगे, कई फर्नीचर हैं, तो यदि एक फर्नीचर रहेगा तो यस नहीं जोड़ेंगे। थैंक्स बहुवचन शब्द है, इसके साथ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, ये गलती है। वेयर योर स्पेक्टिकल्स, इज नहीं रहेगा, आर रहेगा, क्योंकि चश्मा को बहुवचन माना गया है, स्पेक्टिकल्स उसमें, ठीक है, दो पार्ट, वेयर आर लगेगा। रिचेज के साथ हैव लगता है, रिचेज माने धन होता है, ये बहुवचन शब्द इसको भी माना गया। आई हैव थ्री हंड्रेड्स में यस नहीं रहेगा, क्योंकि बुक्स में यस नाउन है ना, तो इसके पहले एडजेक्टिव काम करा, इसमें यस नहीं जाता। हंड्रेड, डोजन, थाउजेंड, ये सब अगर नाउन से पहले आते हैं ना, तो इसमें यस नहीं लगता, इनमें यस तभी लगता है जब इनके बाद तुरंत प्रीपोजिशन। हंड्रेड, हंड्रेड, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, ये सही है, सैकड़ों किताबें, लेकिन सौ की, तीन सौ किताब, इसमें यस नहीं जड़ेगा। जैसे ये नाउन से पहले वन, हंड्रेड, थाउजेंड, ये सब आ जाएंगे, और इनके पहले वन टू थ्री आ जाएगा, तो इसमें हंड्रेड, थाउजेंड, डोजन में यस नहीं जुड़ता।
द न्यूज़, न्यूज़ के साथ एक वचन है, न्यूज़ एक एक के वचन माना गया इसलिए आर नहीं यूज लगेगा। तो ये इसमें मिस्टेक थी, मैं बता दिया। देखिए पाँचवें में बताया पॉइंट आउट द नाउन, नाउन इसमें भी बताना है तो नाउन बता देते हैं फटाफट, आप पहले सोच सकते हैं फिर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो नाउन में फटाफट बता दे रहे हैं इसमें क्या क्या नाउन है। राकेश नाउन है, सिस्टम नाउन है, आगरा नाउन है, क्राउड नाउन है, बिग नाउन है, स्टूडेंट्स नाउन है, लाइब्रेरी नाउन है, मैन नाउन है, विजडम नाउन है, ऑनेस्टी नाउन है, नील, नील नाउन है कि ये नदी का नाम है इसलिए लगा इसके पहले नील नदी। अब बैंक्स भी नाउन है, बैंक्स माने किनारे होता है, ईयर भी नाउन है, इनोसेंस नाउन है, और एल आई नाउन है, इंदिरा गांधी ये भी नाउन है, लेडी नाउन, बिलीव नहीं ये वर्ब है, नाउन नहीं है, ठीक, बिलीव माने विश्वास करना। अब इंदिरा गांधी में इंदिरा गांधी नाउन हो गया, लेडी नाउन है, माई रिंग, रिंग नाउन है, गोल्ड नाउन है, ऑनेस्टी नाउन है, पॉलिसी नाउन है, अर्थ नाउन है, सन नाउन है, राम नाउन है, रावण नाउन है, मोहन नाउन है, टीम नाउन है, कैप्टन नाउन है, सरोजिनी नायडू नाउन है, नाइटिंगल ऑफ इंडिया, नाइटिंगल भी नाउन है, इंडिया भी नाउन है। तो ये थे आपके नाउन पहचानने का पूरा समझ में आया, होप आ गया होगा। आप चलिए नाउन से रिलेटेड नंबर भी पढ़ लेते हैं। नंबर मतलब वचन, एक वचन या बहुवचन, उसके बाद हम जेंडर पढ़ लेंगे, आपका नाउन चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन को भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे जिसको हम गिना जा सकते हैं उसको एक वचन में रहेगा तो सिंगुलर, सिंगुलर नंबर आपका नाउन बॉय गर्ल जिसको गिन सकते हैं, तो अगर एक व्यक्ति या वस्तु का नाम है तो सिंगुलर नाउन नंबर कहा जाएगा, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल्स का गर्ल्स, ये सब। अब देखिए यहाँ भी बताया भी गया, जो नाउन एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे सिंगुलर, तथा जो नाउन एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराता है उन्हें प्लूरल नाउन का नंबर कहा जाता है। अब देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम होते हैं, कब एक वचन का बहुवचन कैसे बनाया जाता है उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है। सामान्यतः शब्दों के अंत में यश जोड़ने से प्लूरल प्लूरल बन जाता है, सिंगुलर प्लूरल। अब यश जोड़कर बनाया जाता है तो उसका उदाहरण जैसे बॉय में यश बॉयज, बुक में यश बॉयज, इस तरह से आप पढ़ सकते हो, ठीक। और कैसे यह बहुवचन बनता है, जिन नाउन के अंत में यस सी यस डबल एस सी एच या यक्स यस एच हो तो उसमें ई एस लगाते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसी नाउन के अंत में यस आ जाएगा या डबल एस यस एच सी एच यक्स तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। एक बात यह भी ध्यान देना, नाउन में यस ई एस जोड़ने से बहुवचन बनता है, वर्ब में यस ई एस जोड़ने से क्या बनेगा, एक वचन बनेगा। तो ये वर्ब में भी आपका काम देगा। क्लास में देखिए डबल एस है तो ई एस जोड़ गया, ब्रांच में ई एस जोड़ दिया सी एच है, टैक्स में एक्स है तो ई एस जोड़ गया, बस में एस है तो ई एस बसेज, ब्रश में ई एस जोड़ गया ब्रशेज, किस में डबल एस न थे किसे जोड़ जाएगा, बॉक्स में ई एस जोड़ गया। अगला नियम तीसरा हमारा क्या कहें, नाउन के अंत में वाई हो, वाई को हटाकर बहुवचन बनाने के लिए आई ई एस कर दिया। अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो तो उसको हटा के आई ई एस कर देते तो बहुवचन बन जाता है। लेकिन अभी ध्यान देना, वाई से पहले व्यंजन आना जरूरी है तभी आई ई एस किया जाता है, ठीक। स्वर रहने पे केवल एस जोड़ा जाएगा। जैसे बेबी में देखिए वाई हटा के बेबीज कर दिया गया क्योंकि वॉइस पहले व्यंजन था, लेडी में लेडीज, आर्मी में आर्मी, जिस तरह से आप उसको पढ़ सकते हो। अगला है जिन नाउन के अंत में वाई हो, वॉइस पहले कोई स्वर हो तो उसका बहुवचन बनाने के लिए केवल एस जोड़ेंगे। जैसे मंकी में देखिए वॉइस पहले ई स्वर है ना, ए ई आई ओ यू, तो इसमें केवल एस जोड़ा जाएगा। टॉय में वॉइस पहले ओ है तो एस जोड़ा जाएगा, इस तरह से। चौथा रूल है नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो प्लूरल एस या ई एस जोड़ के जोड़कर तथा यफ या यफ ई के स्थान पर भी ई एस करके बना जाता है। कहने का मतलब यह है कि यफ या यफ ई रहेगा तो उसमें यस या यस तो जोड़ा ही जाता है, जोड़कर भी बना सकते हैं और भी ई एस भी जोड़ा जाता है। यफ या यफ ई की जगह भी ई एस कर दोगे तब भी आपका नाउन प्लूरल बनता है। तो किसी किसी में यस जोड़ा जाता है यस एस, किसी में भी ई एस। तो चलिए बता देते हैं, चीफ में यस जोड़ा जाएगा चीफ्स हो जाएगा, रूफ में यस रूफ्स हो जाएगा, थीफ में यस थीफ में यस नहीं जोड़ा जाएगा थीफ जोड़ेगा, थीफ जमाने बहुत से चोर। तो यफ में यस भी जोड़ सकते हैं और भी ई एस भी से भी ये नियम को जोड़ के बनाया जाता है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लाइफ में यफ ही है तो लाइफ हो जाएगा, लाइफ माने जीवन, लाइफ माने जीव बहुत लोगों का जीवन। वाइफ माने पत्नी, वाइफ माने पत्नियाँ। काल्फ माने बछड़ा, काल्वेज हो जाएगा बछड़े। लीफ का लीव्स हो जाएगा पत्तियाँ। तो इस तरह से इसमें दोनों बातें हैं। तो इसमें यफ या यफ ही को उठा के भी ई एस ई जोड़ा जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे चीफ को चीफ से याद कर लीजिए, अगर रूफ में यस जोड़ा जाएगा क्योंकि डबल ओ रहता है एफ के पहले तो भी यस ही जोड़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं,
ओ से समाप्त होने वाले नाउन में अधिकांशतः ई एस जोड़ा जाता है। कोई सब नाउन अगर ओ से है तो उसमें ई एस जोड़ के बहुवचन बनाया जाए, जैसे मैंगो में मैंगोज, पफेलो में पफेलोज, हीरो हीरोज, पोटैटो पोटैटोज। ठीक, छठवां रूल हमारा क्या कह रहा है, कुछ नाउन का प्लूरल निम्नलिखित ढंग से बनता है। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिसमें यस यस नहीं लगेगा तो कुछ दूसरा नियम लगेगा, देखते हैं वो भी क्या है। दूसरा नियम मतलब अंदर के स्वर को बदल के या कुछ शब्द जोड़ के बनाए जाते हैं। उदाहरण देखते हैं, मैन का मेन हो गया यानी अंदर का स्वर बदल दिया गया एक आई, वोमेन में भी एक आई कर दिया गया वोमेन हो जाएगा, वोमेन का वीमेन हो जाएगा। फुट में डबल ओ को डबल ई कर दिएगा फीट, बहुत से पैर। टूथ को डबल ओ को डबल ई कर दिया, टूथ माने दांत, टीथ माने बहुत से दांत। माउस माने चूहा होता है, माउस का बहुवचन बनाने के लिए माउस में ओ यू एस ई को आई सी एम बदल देते हैं। ठीक है, माइस माने चूहे, कई चूहे। रैट में तो यस जोड़ के बनाते हैं बहुवचन, लेकिन माउस का बहुवचन यस जोड़ के नहीं बनाते हैं, माउस नहीं कहते हैं, माइस। लाउस माने जुआ होता है, जुआ या ढील, तो लाउस का भी लाइस होता है क्योंकि इसमें भी ओ यू एस है माउस की तरह, इसमें इसलिए ओ यू एस ई को हम करते हैं क्या, आई सी ई कर देते हैं माउस और लाउस। गूज का डबल ओ के होता कि डबल ई कर देंगे, गूज माने होता है कलहंस। ठीक है, आक्स में बहुवचन बनाने के लिए ई एन जोड़ देते हैं, आक्सन माने बहुत से बैल होता है, आक्स माने बैल। चाइल्ड का बहुवचन बनाने के लिए आर ई एन जोड़ देते हैं, चिल्ड्रन हो जाता है। कुछ विशेष बातें हम देख लेते हैं नाउन से रिलेटेड बहुवचन बनाने के लिए। कुछ सिंगुलर फॉर्म्स का प्रयोग सदैव प्लूरल में ही आता है, कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कैटल माने पशु, पीपल माने लोग, जेंट्री माने सभ्य लोग, सज्जन लोग, पोल्ट्री माने घरेलू मुर्गियाँ, ये सभी बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। बहुवचन प्रयोग करने का मतलब इनके साथ हमेशा बहुवचन की वर्ब भी लगेगी, इसलिए वर्ब भी लगाने के लिए इनका ज्ञान होना चाहिए। जब जानोगे बहुवचन है तभी तो सही वर्ब लिखोगे। अभी एग्जाम्पल में बताए नहीं थे कैटल के साथ आर लगेगा, क्यों बताए थे, क्योंकि ये बहुवचन है। ठीक, ये सभी के साथ बहुवचन की वर्ब लगेगी। यहाँ देखिए उदाहरण दिए, कैटल द कैटल आर ईटिंग द ग्रास, ये आर लगा के सही किए हैं। ऑल द पीपल हैव रहेगा क्योंकि सभी लोग बहुवचन है। अगला हम टॉपिक देखते हैं, इसमें पॉइंट, कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म का प्रयोग केवल सिंगुलर अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ तो ऐसे होते हैं देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो रहते हैं एक वचन प्रयोग किया जाता है। उसमें कौन कौन से हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, गणित है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र, न्यूज़ समाचार, इनिंग्स पारी। देखिए इनिंग में यस नहीं जोड़ा गया था, गलत था ना, सही किया था। तो अब क्या है कि इसमें ये यस एंडिंग हैं लेकिन है एक वचन, विषय का नाम कोई भी रहेगा तो के वचन रहेगा ना, इसलिए तो ये एक वचन माने जाते हैं। इसके साथ भी वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो एक वचन की ही वर्ब लगेगी, इज लगेगा आर नहीं लगेगा। आगे और भी देखते हैं पॉइंट, कंपाउंड नाउन को प्रिंसिपल वर्ड में यस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। कंपाउंड नाउन माने होता है संयुक्त संज्ञा, संयुक्त संज्ञा मतलब जिसमें दो एक से ज़्यादा शब्द रहते हैं वो हाइफन से जुड़े रहते हैं, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे सन इन लॉ, इसमें तीन शब्द हैं ना, तीनों हाइफन से जुड़े ना, ये बीच में जो हाइफन है इसी को हाइफन कहते हैं। हाइफन और डैश में क्या आता है, डैश बड़ी रहती है, हाइफन क्या रहता है, छोटा रहता है। ठीक, सन इन लॉ, तो इसमें क्या है कि जो कंपाउंड नाउन है हाइफन से जुड़े हैं तो इनमें मुख्य शब्द में ही हम यस जोड़ते हैं। जैसे सन इनला में मुख्य शब्द क्या है, सन, क्योंकि जब सन रहेगा सन इनला माने दामाद, तभी तो किसी का दामाद बनेगा, तो इसलिए सन में यस जुड़ा। डाटर इनला में डाटर मुख्य शब्द है, यस जुड़ा, डाटर्स में हो जाएगा। स्टेप सन में, इसमें सन सौतेला पुत्र, तो पुत्र रहेगा तभी तो माना जाएगा सौतेला एक सगा, तो इस सन में यस जुड़ा। मेड सर्वेंट, सर्वेंट में यस जुड़ा। ओम वाशर वोमेन, वाशर मैन, तो मैन का मेन हो जाएगा, मैन मेन है। और कमांडर इन चीफ माने मुख्य सेनापति, तो कमांडर माने सेनापति होता है, सेनापति मुख्य शब्द है, कमांडर्स हो जाएगा। कुछ नाउन के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं, तो यह भी ध्यान देना है, कुछ नाउन ऐसे होते ना इनका प्लूरल और सिंगुलर एक ही होता है। परीक्षा में यस जोड़ देगा ना, कह देगा सही वाक्य बनाओ, तो यस जोड़ा रहेगा, गलत कर दो हो जाएगा। इनका इनके साथ अर्थ के हिसाब से एक वचन बहुवचन दोनों वर्ब सही माने जाते हैं। ठीक, डियर माने हिरन, तो इसका बहुवचन भी डियर होगा। सीप माने भेड़, तो एक भेड़ रहे या दस भेड़, तो भाई तब भी सीप ही लगाओगे। फिश का बहुवचन फिश ही रहेगा। जैसे कहा तो डियर इज रनिंग या आर रनिंग, दोनों सही है। सीप इज ग्रेजिंग या आर ग्रेजिंग, क्लियर। तो चलिए आगे, ये मतलब तीनों का बहुवचन है और एक वचन समान रहता है, इस ध्यान देना था। अधिकांश मास नाउन, मास नाउन माने तो द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे इंक हुआ, आयल हुआ, वाटर हुआ, सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, किंतु जब वे प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है तो उनका अर्थ मास नाउन से भिन्न होता है। मतलब मास द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं हैं, मतलब जिसको हम गिनते नहीं हैं, वो एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं, लेकिन कभी कभी बहुवचन में भी वो लिखी जा सकती हैं। लिखी जा सकती हैं तो यस लगा के गलत नहीं होंगे,
लेकिन तब बहुवचन मतलब अगर यस लगा देंगे तो मास नाउन नहीं कहलाएंगे, उनका अर्थ दूसरा हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, एडवाइस माने सलाह, काउंसिल माने सलाह, तो एडवाइसेज माने सूचना हो जाएगा, कहीं एडवाइसेज लिखा गया तो जान लीजिए सूचना। आयरन माने लोहा, धातु है तो, लेकिन आयरन में यस जोड़ दिया गया तो फेटर टूल्स, फेटर माने होता है जंजीर, हथकड़ी जिसको कहते हैं, ठीक है, आयरन्स माने, ठीक, तो हथकड़ी के अर्थ में यस जोड़ सकते हैं, सूचना के अर्थ में एडवाइस में यस जोड़ सकते हैं। लेकिन फोर्स माने बल होता है, शक्ति या बल, तो फोर्सेज माने आर्मी, जिसे कहते हैं फोर्सेज, सेना, फौज। तो इस तरह से एडवाइस आयरन फोर्स का जब दूसरा मतलब यस लगा देंगे तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, ठीक। एडवाइस अगर यस नहीं लगा तो इस माने सलाह, यस लगा तो सूचना, आयरन यस नहीं लगा तो लोहा, यस लगाए तो जंजीर या हथकड़ी, फोर्स यस नहीं लगा तो शक्ति, फोर्सेज यस मतलब यस लग गया है तो आर्मी। समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा बचाए लगे हाथ हम जेंडर भी देख लेते हैं, जेंडर उसके बाद नाउन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, अगले वीडियो में फिर प्रोनाउन बताया जाएगा। तो जेंडर चार प्रकार के होते हैं, जेंडर मिस होता है, लिंग होता है, तो चारों प्रकार क्या क्या है देखिए। मैस्कुलिन जेंडर है जो नाउन नर का बोध कराते हैं तो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, जैसे मैन, हार्स, बॉय, ब्रदर, डॉग। इनसे नर, नर मतलब मादा, मादा नहीं पुरुष, पुरुष जाति से संबंधित हो नर का बोध, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर। तो ये जेंडर भी जानना हमको जरूरी है, क्योंकि जब मैस्कुलिन जेंडर जानेंगे है तभी तो हम उसके लिए ही लगाएंगे, फेमिनिन है तो सी लगाएंगे, इस तरह से इसका भी जानना जरूरी होता है। न्यूटर है तो इट लगाएंगे, ठीक है, कॉमन है तो उसके लिए हम ही सी दोनों लगा सकते हैं, और बहुवचन रहेगा दे लगाएंगे, अर्थ के अनुसार लगाएंगे। तो देखते हैं, जो नाउन नर का बोध कराते हैं वो हैं मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं, पुरुष पुलिंग जिसको कहते हैं, और मैन, हार्स, बॉय। अब देखिए फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग। जो नाउन मादा का बोध कराते हैं या स्त्री का, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं, जैसे गर्ल, सिस्टर, लेडी, मदर, काउ हैं, ठीक है। जिस नाउन से नर या मादा दो जिस नाउन से ना नर नर या मादा का बोध ना हो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर माने उभय लिंग, जिससे ना नर का बोध हो ना मादा का, क्लियर, दोनों में से यानी कि कोई हो सकता है। जैसे उदाहरण, पेरेंट माने माता पिता, तो माता पिता में दोनों हो सकते हैं, चाइल्ड में बच्चा, बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। फिर मतलब बताया नहीं गया ना क्या है, बॉय है कि गर्ल है, तो चाइल्ड दे दिए गए, साझा नाम जान, इसमें कॉमन नाउन ही आता है तो कॉमन जेंडर हो जाता है, कॉमन नाउन में साझा नाम होता है ना। सर्वेंट में नौकर में स्त्री नौकर भी हो सकता है, पुरुष भी होता है, चोर में स्त्री भी चोर हो सकती है, पुरुष भी, एनिमी में दुश्मन आपका लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी आपके साथ घात कर सकता है। न्यूट्रल जेंडर माने होता है नपुंसक लिंग, इसे किसे कहते हैं, जिस नाउन से ना नर का बोध हो ना मादा का, नपुंसक कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बुक, बुक से किसी आदमी का बोध हो रहा है न स्त्री का, तो इसमें अक्सर वस्तुएँ आती हैं, ठीक, स्कूल, रूम, फ्रूट, ये न्यूज़ लोग, ठीक, ये इसमें आते हैं। तो जेंडर समझने को कुछ सामान्य नियम भी देख लेते हैं, जेंडर कैसे बनाया जाता है इसके रूल भी हैं, कुछ सामान्य नियम देख लेते हैं ताकि इसमें आप कन्फ्यूजन ना हो, पहचानने के लिए आ जाए जेंडर कौन सा जेंडर है तो बता ले जाओ। जिन शब्दों में स्ट्रेंथ का बोध हो वे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, जैसे द सन, समर, विंटर, डेथ, टाइम, ये सभी शब्द जो है मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं, इसको आपको याद कर लेना होगा, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो यही आएगा। शक्ति का बोध होता है मैस्कुलिन जेंडर, जैसे सन, सूर्य में बहुत शक्ति है ना, अभी गर्मी कर देगा आदमी परेशान हो जाता, समर माने गर्मी तो जान ही रहे हो, सूर्य रोशनी बहुत ज़्यादा आदमी को नुकसान कर देता, धूप उसमें ताकत है, गर्मी से तो आदमी बेहाली हो जाता है, ये भी इसमें भी शक्ति है। विंटर जाड़ा, जाड़ा लग गया तो आदमी मर भी सकता है बहुत, इसमें भी परे, मौत से तो कोई बच ही नहीं सकता, तो ये शक्तिशाली यही है। समय तो कोई रोक ही नहीं सकता, टाइम भी पावरफुल है, ठीक, समय को सबसे अधिक बलवान कहा गया, ये सभी इसलिए शक्तिशाली होने के नाते इन सभी को हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और देखते हैं, जिन शब्दों या ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट माने वस्तु में भी होता है, से ब्यूटी माने सौंदर्य, जेंटलनेस माने कोमलता, ग्रेसनेस माने शोभा, प्रतीत हो, वे फेमिनिन जेंडर होते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे जो शोभा, सुंदरता का प्रतीक हो, ठीक, उसको भी हम क्या कहेंगे, फेमिनिन जेंडर में वो आ जाते हैं। उदाहरण, चंद्रमा,
चंद्रमा ठीक है, वो हम फेमिनिन जेंडर मानते हैं, सुंदर सुंदरता का प्रतीक। अर्थ धरती तो भाई सुनहरी लगती है तो धरती ही है, धरती को धरती माता भी कहते हैं, फेमिनिन में ही आ गए ठीक है। तो ये ना सोचिए कि चंदा को मून माने चंद्रमा, चंद्रमा की हिंदी में चंदा को चंदा मामा भी कहते हैं, वो गलत अलग है। अंग्रेजी के हिसाब से आप चलोगे मून को जो है फेमिनिन माना गया क्योंकि वो सौंदर्य का प्रतीक है। क्लियर। स्प्रिंग माने बसंत, बसंत ऋतु में भी फूल पौधे सब हरे भरे हो जाते हैं ना, फूल खिल जाते हैं, तो सौंदर्य का प्रतीक है स्प्रिंग भी, ये भी फेमिनिन है। आटम माने पतझड़, जब पतझड़ हो जाता है तो अच्छी अच्छी पत्तियाँ कोपले निकलती हैं, तो ये भी सौंदर्य का प्रतीक है। नेचर माने प्रकृति, जो हम जब ही हम मतलब चारों ओर देख रहे हैं प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सुंदर ही लगती हैं, तो ये भी फेमिनिन। जेंडर में आ जाता है मर्सी मीन्स दया, दया दिखाओगे तो आप अगले आदमी को अच्छा ही लगेगा, वो भी सौंदर्य का प्रतीक। न्याय, न्याय होगा तो भी अच्छा लगेगा। प्रीस माने शांति रहेगी तभी आपको लाइफ में अच्छा लगेगा, होप आशा रहेगी तो जीवन में अच्छा लगेगा, निराशा रहेगी तो नहीं लगेगा। चैरिटी माने दान या पुण्य या उदारता, उदारता दिखाओगे पुण्य करोगे तो भी अच्छा लगेगा सबको, ये सभी फेमिनिन जेंडर में ही इसलिए आ जाते हैं, इसको आपको याद कर लेना पड़ेगा। अब मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के कुछ नियम भी होते हैं, आप खुद जान सकते हो कि फेमिनिन एक मैस्कुलिन कैसे बना सकते हो जरूरत पड़े तो, उसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। कुछ मैस्कुलिन के फेमिनिन पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जैसे बॉय का क्या हो जाएगा, गर्ल, बॉय माने लड़का, गर्ल मीन्स लड़की। ब्रदर माने भाई, सिस्टर मीन्स बहन। फादर का मदर, डॉग का बिच, डॉग माने कुत्ता, बिच माने कुतिया। किंग का क्वीन, हार्स का मेयर, हार्स माने घोड़ा, मेयर मीन्स घोड़ी। सन का डाटर, ये सभी क्या हैं फेमिनिन जेंडर है ठीक। कुछ मैस्कुलिन के फेमिनिन आई हाँ ई डबल एस जोड़ देने से बनते हैं, तो कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग हो गए, जैसे बॉय का गर्ल, हार्स का मेयर अलग, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें ई एस जोड़ के बना दिए जाते हैं फेमिनिन। ध्यान देना, जैसे आथर में ई एस जोड़ेंगे ना तो आथरेस हो जाएगा, कुछ नहीं करना केवल ई डबल एस जोड़ देना। हेयर माने एयर, इसको पढ़ा जाएगा साइलेंट है, एयर में उत्तराधिकारी, एयर एस हो जाएगा उत्तराधिकारी। लायन के लायन एस शेरनी, पोएट का पोएट एस कवित्री। कुछ मैस्कुलिन फेमिनिन बनाते समय शब्द के अंत में ई डबल एस जोड़ा जाता, बाबेल को हटाकर ई डबल एस जोड़ा जाता। अभी तक आप क्या देख रहे हैं, इसमें किसी बाबेल को आथर एयर में लायन में नहीं हटाया गया, वैसे ई डबल एस जोड़ दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें आपको ई डब्ल्यू एस जोड़ने से पहले अंतिम बावल जो रहेगा उसको हटाना पड़ता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे एक्टर का बहुवचन एक्ट्रेस, सॉरी फेमिनिन एक्ट्रेस होता है लेकिन एक्टर में ओ हमको हटा देना पड़ेगा। हंटर में हंट्रेस शिकारनी, ई हटा देना पड़ेगा। प्रिंसेज में देखिए ई डब्ल्यू एस जोड़ेंगे ना तो ये पहले वाला ई हट जाएगा ठीक। अगर प्रिंस माने राजकुमार, इसका बहुवचन बनाना होगा ना तो केवल एस जोड़ा जाएगा, तब ये प्रिंस राजकुमारों हो जाएगा। लेकिन अगर ई डबल एस जोड़ा जाएगा तो राजकुमारियाँ, राजकुमारी होगा। टाइगर में ई हटेगा, टाइग्रेस हो जाएगा। मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा, मास्टर्स मालिक, मिस्ट्रेस माने मालकिन। कुछ मैस्कुलिन के फेमिनिन निम्नलिखित होते हैं, कुछ मैस्कुलिन का फेमिनिन और भी तरीके से बनता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे हीरो का, हीरो माने नायक होता है, हीरो का फेमिनिन जेंडर हीरोइन होता है, नायिका। सुल्तान माने का बहुवचन सुल्ताना होता है, जैसे टीपू सुल्तान पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो रजिया सुल्ताना ठीक है, तो महिला शासक थी तो उसमें सुल्ताना कह दिया जाता है, तो फेमिनिन हो गया। फॉक्स माने लोमड़ी, तो इसका बहुवचन फेमिनिन जेंडर विक्सिन होता है। साइनर माने होता है ठीक है महाशय होता है, तो या महोदय, तो साइनोरा ठीक है, महाशिया या महोदय ठीक है। तो ये इसका ये यानी कुल मिला के हम क्या देखें, मैस्कुलिन जेंडर में ई एन जोड़कर भी फेमिनिन बनाया जाता है, आई एन ई जोड़कर भी फेमिनिन बनाया जा रहा है, और ए जोड़कर भी फेमिनिन बनाया जा रहा है। आगे कुछ और भी लास्ट रूल है इसका देख लेते हैं, और तरीके भी हैं कि बनाने का। जिन नाउन से मैस्कुलिन तथा फेमिनिन फॉर्म अलग अलग नहीं है उनका आवश्यकता अनुसार फॉर्म ही या सी सेक्स द्योतक, द्योतक में सूचक मतलब लिंग सूचक शब्द, प्रोनाउन या नाउन को जोड़कर बनाए जाते हैं। मतलब जिसका हम ये सारे उपरोक्त नियम है आई एन ई, ई डबल एस, ये सभी नियम से नहीं बन पा रहे हैं तो उसके लिए अलग शब्द नहीं बना, तो उसमें हम ही या सी लगा देंगे तो प्रोनाउन मान लिया जाएगा, या सेक्स दो तक कोई शब्द लगा देंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, बुल काफ माने होता है बछड़ा ठीक है, या सांड, काउ काफ कर देंगे ठीक। अब क्योंकि बुल का काउ होता है,
काफ, ठीक है, काफ का काफ रहने दो, ठीक है, एक शब्द चेंज कर देंगे। ही बियर माने भालू, सी बियर माने मादा भालू, ठीक है। तो ही लगाने से पता चल जा रहा है कि हाँ भाई भालू है जो मादा नर ही है, सी मादा। मिल्क मैन सर्वेंट माने नौकर, जो पुरुष हो। मेड सर्वेंट माने नौकरानी, मैन का मेड कर दिया गया। जिससे एक से दो तक शब्द है ना, मैन और मेड। मैन बताता है पुरुष है, मेड बताता है कि स्त्री है। इसमें ही बताता है पुरुष नर है, सी बताता है नारी है, ठीक है, मादा। बुल बताता है कि नर है, काऊ बताता है कि मादा है, ठीक। मिल्क मैन ग्वाला, मिल्क मेड मैन का मेड कर दीजिए, क्योंकि मैन सेक्सोदोतक शब्द है ना, मेड हो जाएगा। ही गोट माने बकरा, सी गोट माने बकरी। जैक एस माने गधा, जैनी एस माने गधी। जैक का जैनी, ये जैक नर वाला शब्द है, जैनी मादा वाला। ग्रैंड फादर माने दादा, तो फादर को मदर कर देंगे, दादी हो जाएगी। वाशर मैन माने धोबी, वोमेन कर देंगे धोबी, धोबी। क्लियर? तो आई होप नाउन पूरा समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और पॉइंट को समझ सकें, क्योंकि हर मेन बात होता है समझना। किताब में तो सब दिया रहता है, तो मैं एक्सप्लेन करके समझा दिया। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप प्रोनाउन के साथ और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।